बिलासपुर से राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस प्रत्याशी लेखराम साहू ने उन पर गलत तरीके से चुनाव लड़ने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन शून्य घोषित करने की याचिका लगाई है। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने जांच के साथ बिंदु तय कर दिए हैं। नामांकन पत्र प्रस्तावकों के लाभ के पद के वजह से निरस्त करना, अयोग्य मतदाता के वोट डालने से चुनाव प्रभावित होना, शपथ पत्र में सरोज पांडे ने घर का पता गलत बताया, बैंक अकाउंट की जानकारी छुपाई और क्या इससे चुनाव प्रभावित हुआ। निर्वाचन आयोग वोटिंग से पहले मतदाताओं के संबंध में उठाई गई आपत्ति के निराकरण के लिए बाध्य था। जैसे बिंदुओं पर मामले की सुनवाई 3 सप्ताह बाद शुरू होगी। वर्तमान में एकाध ही याचिका गुजरात कोर्ट में चल रही है, उसके पहले कोई इतिहास भी नहीं है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में लेखराम साहू के तरफ से हमने सरोज पांडे के निर्वाचन को चुनौती दी है और उस चुनौती की याचिका पर जिन बिंदुओं पर जांच होगी वो माननीय उच्च न्यायालय ने निर्धारित कर दिए हैं। सत्रह में बीर सिंहपुर के पास जंगल के बीच रास्ते में बस और ट्रक की भिड़ंत में कई लोगों के मारे जाने की